श्री शिवधाम युवा संगठन सुपीला के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तमी के दिन मां जगदम्बा भवानी की आराधना करते हुए विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और सुपीला के तालाब में जाकर यात्रा पूर्ण हुई। माता के नवरात्र में माता की चुनरी निकालने की एक परंपरा है। इसके तहत माँ दुर्गा की पालकी सजाकर पूरे भक्तिभाव से उनकी चुनरी यात्रा निकाली जाती है और यह चुनरी यात्रा पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती है, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र पर बना रहे। इस दौरान चुनरी यात्रा के माध्यम से भक्त जगदम्बा माँ भवानी के दर्शन कर पाते हैं। अपने कार्यों में व्यस्त होने के बाद भी कुछ समय में चुनरी यात्रा के दर्शन कर अपनी भक्ति के पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, साथ ही अपने परिवार की खुशहाली की कामना भी करते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री शिवधाम युवा संगठन सुपेला ने अपने प्रथम वर्ष में माँ दुर्गा की खूबसूरत पालकी सजाकर चुनरी यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए और विशेष तौर पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी धुमाल और डीजे के धुनों पर खूब थिरके। श्री शिवधाम युवा संगठन सुपेला द्वारा इस बार माता की रानी चुनरी का शोभा यात्रा निकाला गया है, जो प्रथम वर्ष है, जो शहर के नगरवासी और वार्डवासियों की शुभकामना के लिए एवं मंगल कामना के लिए हमने चुनरी चढ़ावा निकाला गया है। तो हमारे प्रथम वर्ष है और हमारे साल इसी प्रकार माता की शोभा यात्रा निकाला जाएगा। प्रथम वर्ष है हमारा ये गांधी। हमारी चुनरी यात्रा में डीजे है, धुमाल है, माता की चुनरी है और माता रानी है, उनका आशीर्वाद है जो हमने चुनरी यात्रा निकाली। ये चुनरी सुपेला भगत सिंह रोड से सुपेला तालाब शीतला मंदिर जाएगी। माता की चुनरी यात्रा के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री शिवधाम युवा संगठन सुपेला के द्वारा निकाली गई विशाल चुनरी यात्रा के दर्शन करके भक्त जनों ने विशेष लाभ प्राप्त किया और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।